आपको बहुत तकलीफ दे रही हूँ। आज आपकी जुबानी आपके जीवन और संगीत साधन के संबंध कुछ सुनना चाहती हूँ। माए, सबसे पहले आप अपनी वंश परंपरा और उसका संगीत से संबंध कब से और कैसा रहा ये बताने की कृपा करें। मेरा जो घर संगीत का संगीतकार था, मेरे जो नाना थे तो वो तो गाते थे। नाना की जो माँ थी वो पंडिता थी, उनका नाम मुजावाई, मुजावाई संस्कृत के पंडित थे। मैंने मेरे मामू उनके शादी में थे और उनके तीन लड़के और एक लड़की, इस तीनों लड़के एक का नाम रामबा, एक का नाम वामन और एक का नाम वासुदेव। वासुदेव की पोती मैं हूँ और उनके रामबा को दो लड़कियाँ, तीन लड़के उनको भी, वो तो इंटर पिंटर थे, सुंदर। एक उनकी लड़की इतना तबला अच्छा बजाते थे, हमारे घराने में ये पांच छह पीढ़ी से यही संगीतकार है और हमारे माँ स्त्री के छह घर में, तो हमारी पांच ही बहने गाती थी। एक तो 13-14 बरस के मिलन गई, पांच थे, पांच ही गाते थे। लेकिन उसमें मेरे हाँ मेरे माँ का आवाज बड़ा सुरेला और बहुत सच पूछा तो उनके उनके पिता से ही शिक्षण मिला था और मम्मी ने भी उनने लिया, वो कुछ मेरे को याद नहीं। मैं तो 8 बरस की जो जब से 8 बरस की थी जब से सब कुछ याद है। अच्छा, आपकी संगीत शिक्षा कब से शुरू हुई माई? 8 बरस, 18 बरस लगा था हमको और हमको उनने शिक्षा, पहले तो स्कूल में जाते थे ना, तो हर स्कूल में भी देना संगीत देना, अब ये बात है ना। अच्छा माई, अपने गुरु घराने के बारे में कुछ बताइए। गुरु घराने ये मेरे गुरु जन मजिद का खादिम सैद और छिल चुका। अच्छा, कहाँ के रहने वाले थे? वो थे मुरादाबाद के और यहाँ आके कम में कम मेरे से पहले अभी 8 बरस के मेरा कोई जो गंदा बांधा उसके पहले कब आए थे मेरे को ध्यान में, लेकिन कम में कम हमको ये मालूम होता है 110 बरस बॉम्बे में रहे, मुंबई में रहे। वो चार भाई थे, एक तो उसको छोटे भाई को इंग्लिश पढ़ाया मैट्रिक तक और ये तीन भाई गाते थे। सबसे बड़े सज्जू खान साहब थे, सबसे बड़े और उनके पीछे है मजिद खान और उनके पीछे खादिम सैद खान और उनके पीछे वलायत खान। अच्छा, ऐसे चार भाई थे। तो मेरा जो शिक्षण पहला जो गंदा बांधा तो मजिद खान खान साहब थे, हम सब उनको भैया जी कहते थे क्योंकि मेरे पिता के बड़े दोस्त थे और उनको हम चचा तरीके जानते और हमारी माँ को भाभी दीदी और बड़ा दोस्त रहा था। सब पूछे तो छोटपन से मेरे को मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनू, इसलिए हाँ डॉक्टर कहा गायकी। लेकिन जब वो बहन को सिखाते थे इस वास्ते से मेरे बहन को सिखाना उन्होंने शुरू किया, वो तो एक पार्टी थी 12 बरस के अंदर आपको कहूँ 125 सराहना और सरगम उसने याद किए और मुंबई में बहुत से लोग जानते हैं, हजार हजार जो दो हजार लोगों ने ये लड़की गाई है। जब जब उसको सुनते थे जो जाना और बच्चा है सबके मुंह से यही निकलता, लेकिन हमारे इसमें ये जबान वाली नहीं। तो उन्होंने क्या करा भैया जी ने मलिक खान ने, जब गंगा जिस दिन बाना उसके दूसरे ने उसमें मुंशी साथ लाया, क्योंकि हमारी जबान ये नहीं, हमारी जी गोए की जबान मराठी जबान, तो उनको ये जो उन्होंने ख्याल बताया तो उसका मायना तो समझना चाहिए कि नहीं। तो वो क्या कहते थे कि जब मायने में समझा जब तक संगीत के ऊपर जो प्रभाव उन्हें कभी बन नहीं सकता। अच्छा माई, अपनी तालीम के बारे में कुछ बताइए। तालीम तो यही है कि वो मामारी बहन मर गई 12 बरस की, पीछे आपको कोई दुख तो लगेगा कि इतनी इच्छा माँ बाप की और हमारे घर में ये कहा कि इस वास्ते मैंने पीछे मेरे पास ऐसा राग करवाया मैंने जो भूखे में भविष्य थे, हम नहीं जानते कि कोई ऐसा राग कर देंगे बच्चों। कितने घंटे आप रियाज करते थे माई? पहले तो समझो 15-15 मिनट जो दशा मुस्ता ऐसा और पीछे आधा 10-10 कलाक तो मुझे जो कंधे के ऊपर रखा तो गट्ठा था और आपको कहूँ कमरा के 4 बजे सुबह आना 12 बजे आना और गायने प्रोजेक्ट मंडल करके यहाँ था पार्टियों का बात करने स्थापा था तो उनने एक क्लब में नौकर था तो 4 बजे क्लब में जाना पड़ता था, जो मैं जाए फिर से 2 घंटे हो गए किसे 6 बजे खादिम सैद खान साहब आए, ऐसा करके कम में कम 8-10 कलाक से मेरा राज कम नहीं होता
और राज ने क्या पूछा, आजू बाजू के लोग कंटाल गए थे, 3.5 बरस होने और 1.5 बरस गए, बराबर ऐसा और कुछ नहीं, बस खंडे पीछे सिखाई, लेकिन वो पलटे अले नबी ऐसी ये चीज करके उसके ऊपर ये मन का प्रवाह। और जब मेरे दोनों राग सिखाए उसके पीछे 5 बरस हो गए हो, तो पीछे हमको और जो लोग जो भी राग सिखाए तो भूख बांधते सिखाए, जब मिल जाते थे बेटा बेटा आ रहा कागज ला तुम ला और निकले, ये देखो इसने ये वादी ये समाधि इस तरह से करके था, पीछे बिताऊंगा लेकिन ये समाधि ये होगा। और पीछे जब जब राग सिखाए हमको कभी बड़े दोनों ने सिखाई नहीं, चला बच्चों सही बच्चों सही, तो जो मामू आया समझे वो बन दिए, वो ऐसे राग सब मेरे पास से बैठ के दिए और पीछे उसने जो कम था वो सिखा दिया। हमारी सुना कि आपको वो चिड़िया करके पुकारा करते थे, चिड़िया सब गवैया भी चिड़िया कहते थे, आप कहते थे चिड़िया तो, और हमको कभी बेटी कहा है देखा, मैं यही समझ लेते कि मेरा बेटा है, और हमेशा कहते थे जैसलमेर गा के जाई तो मेरे बच्चे उनको तो उस वक्त बच्चा नहीं था, पीछे लड़का हुआ उनके दो भाई के लड़के थे अमान अली खा साहब और फिर हुसैन था, हर जैसलमेर कहते थे कि बड़े भैया छज्जू खां ए चिड़िया के ऊपर सिंह छोड़ करके दरिया में फेंकते हुए लड़कों जिससे नाम निकला वही लड़का, यह आप कहते अभी तक अमान अली जिंदे थे जब तक ये बात आते तो रोते थे सच कहते, और इतना गाते थे हम आपको कहूँ जैसे हमने सेवा अभी न भरी हम चिंतित होता था कि ये क्या कहते हैं जो सिखाते हैं वो गाते हैं सब कुछ अभी न भरी क्या, तो हमको बड़ा आपको रंग तो होता था, लेकिन जिस दिन से हो गए आज हमको मार होता अभी तक खाना से वो न भरी खाने के लिए, ये हम आज भी कर सकते वो खाल के हमारे तो पहले खाल क्या थे 4-4, 5-5 और तक के खाल, और दूसरा हमने क्या किया सुर में क्यों थे हम, तो आपको कहूँ मिनट का 27 तो श्वास पड़ते हैं ना, डॉक्टरी के 17 कितने, इन्होंने 1 मिनट तक मेरा सांस किया था, जो किया था 1 मिनट तक सांस चले, और ये हो के तो कैसा किया आज 4 सेकंड 8 दिन में पीछे 6-8 हो जाएंगे 8 सेकंड, तो पीछे ऐसे करते 1 बरस में 1 मिनट का मेरा सांस किया होंगे स्वास्थ्य जिसको कहते हैं, अब मैं तो हिंदुस्तान में आता अपना नहीं मेरे जबान के ऊपर हम तो वहाँ के गोहर के आदमी कुछ भी पता पता करने वाले, लेकिन आप पूछते हैं तो इस बात से कहना पड़ता है कि 1 मिनट का था जो आदमी 1 मिनट का जिसका सांस होगा वो आदमी का सुख कैसा होगा ना हिलना ना, जो लगा तो आपको हमारे खरमचंद खान साहब की 40 सेकंड का सांस था 40 सेकंड, और मेरा इन्होंने 60 सेकंड का जो मैंने पंजाब लगाते मालूम होता है कि पेटी के 2-3 पेटियां बज रही है, ये तो वो अपने वाकई आपकी तालीम में साधारण पर तो बहुत ही जोर दिया गया, तो उसका असर अभी तक आपकी गायकी में पाया जाता है, नहीं गायकी में पाया अगर मैं अभी तो हमारी 42 बरस की उम्र हो गई अभी क्या पाएंगे आप, लेकिन इतना जरूर है कि दूसरा जो मैं कहूँ वो जो करे आज भी गवैया वही तरह से बनने सकता। आपने किस तरह स्वर को साधा इसके मुतालिक जरूर कुछ बताइए, और जरा से गा के भी आप बताइए स्वर को क्या किस तरह आप गौतम लगाते, मैं बता नहीं सकती हूँ लेकिन आज मेरा स्वर वो लगे कि न लगे वो मैं कह नहीं सकती, क्योंकि मैं ही काँप रही हूँ से काँप गया होगा, क्यों बोलती वक्त कर रही हूँ खाली बोलती हूँ तो भी वो बोलना कपा हुआ आता है, तो मैं ये दिखा नहीं सकती हूँ आपको कि स्वर जो लगाया डग डग के स्वर के ऊपर आपको कोई डर है आदमी, और ये एक स्वर से हमको बढ़ाया एक स्वर है एक स्वर से किया सारे जो वादी किया तो चार आदमी बनेंगे गा के कौन से आदमी बनाए ऐसे सातों स्वर के ऊपर, और दूसरा कल जो हमने दिखाया ना दोनों एक वक्त सारे ये किया और तैयार है। अच्छा माई आपका घराना तो भिंडी बाजार घराना करके मशहूर, भिंडी बाजार का घराना नहीं मेरे आपके घर से बना तो इसीलिए मशहूर मुरादा मशहूर इस घराने का, बाकी भिंडी बाजार वाले जो भिंडी बाजार और एक ही मकान में है ये भी आपको कहते हैं, जब आए आवा मस्ता जी का कुछ गुलाब था उसमें गए मरे भी उसमें गए भी उसमें
पर ऐसे आम लोगों से भिंडी बाजार घराना हाँ, ही कहते हाँ, हैं और इसी नाम से ही भिंडी बाजार मुरादाबाद के हो रहे हैं। मुरादाबाद के तो थे पर नजीर खान साहब भिंडी बाजार के करके भिंडी बाजार घराना कहा जाता है। अच्छा माई, अब एक अर्थ है भिंडी बाजार घराने की गायकी की क्या क्या खसूसियात यानी विशेषताएं, इस पर कुछ रोशनी डाले तो बड़ी नवाजिश। उनकी ये थी पहले सुर का उनके बाद इसे बदला, मेरे गुरु हुए तो जो कहना भी कहना ही पड़ता, तीनों की आवाज बदती, इसमें ज्यादा बड़े भैया की आवाज ज्यादा सुन में थे, हाँ ये दोनों की बदती। लेकिन जिस वक्त गाने को बैठे थे वो बजा आवाज के ऊपर जो सुर लगाया था शरीर आदमी नहीं आंखों में से पानी नहीं आया, आंखों में से पानी सीधी आवाज वालों की हाँ जी सीधी आवाज वाले बैठे हुए, हमने सीधी आवाज वाले गए तो दोनों सुने समझे आयु संख्या उस वक्त के जो गायनों थे जब उसने और दूसरे रहमत का दोनों गवे सीढ़ी आवाज जिसको कहते हैं कि यहाँ खाली आ करने से उन्होंने गाना नहीं चाहिए था, न गाते तो चलता लेकिन आ करने से बच्ची जैसे सुन गया ऐसी आवाज की। अच्छा माई, आपने तैयारी हाथ से किस तरीके से की और आपके राय में तैयारी के जगह संगीत में क्या है इसके ऊपर जरा कुछ आपको कम होगा तैयारी के ऊपर तो मैं आपको अब बुरामत मानना हूँ बैंसी बरस की, लेकिन मेरा अभिप्राय उन लोगों का बड़ों का त्यागों में ये जरूर है तैयारी में सब नहीं था पहली बात ऐसे गवैया एक ही सुना तैयारी में सर रखने वाला कौन रहमत था अब्दुल सुखा करी थी, बाकी जितने गवैया हमने तैयार गया और हद से भाग गया तो पीछे तो क्या पूछते हो कहाँ बकरेता निकालेगी तो कहाँ कुछ कुछ, लेकिन तैयारी मानना कायदे से होना चाहिए तो एक ही रहमत खा के और हमारे यहाँ की ऐसी चीज थी। आप तैयारी कैसे आपने तैयारी हासिल करने का तरीका तरीका यही है कि पढ़ते करना तो पढ़ते करते सारे गमा पता नहीं सारे करना तो वो चार लैसे चार जरा सब पलटा करके आप जरा से बताएंगे चौथा चार दर्जे की तैयारी हो गई तो हद हो गई, इससे स्टेज तैयारी के बाहर जाएगा उसको गला कहेंगे हम अब सुनने लगेंगे ये तैयारी हो जाएगी। तैयारी मायना जो गले से आप आलाप करेंगे जो विलंबित करेंगे वही गले से तैयारी जाना चाहिए वो गवैया था ऐसे हमने सुने सुने गवैया जो ऐसे हमने थे तो शब्द नामिया जानकार खा आयुषण खा अलग खा सभी तो थे ही गवैया अजर खा बम्बे में तो 30-40 गवैया बम्बे में थे। अच्छा माई, आपके घराने की गायकी दूसरे जाने माने घरानों से किस तरह अलग है इन पर कुछ रोशनी डालेंगे? तो हम तो अलग अच्छी और बुरी है तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे घर की जो गायकी विलम्ब जान दे वो गायकी मेरे गले में डाली हूँ मैं करती हूँ जी जरूर यहाँ बंदा भी खासा रहा है मैंने उनके साथ चुना गई थी क्या कहूँ मैं अभी जब करूँ तो बच्चे लोग तो आदमी उसकी बात हमको कहेंगे तो वो जब यहाँ हॉल में गाई तो नीचे जो सुनाते मालूम होता बंदे भी खासा की भीम बचती है ये तरह किसकी गायकी ये इन्होंने सुना मैं तो और बच्चे के जैसा हमको सिखाया था जैसे और बच्चे और इन्होंने मेरे को ही नहीं आपको तैयार किया और तीन लड़कियां तैयार की एक लड़का तैयार किया बंधुन करके लेकिन वो तकदीर अपने अपने तकदीर से मिल गए वो बात जरा कुछ हुए तो गुरु उस्ताद को कहेंगे तो क्या जानता वो तो मर ही जाएंगे वो वादा और छोड़ लेकिन और भी मेरे से ज्यादा तैयार की थी हाँ मेरे से ज्यादा तानी वाई करके थी तो आपको कहूँ बाबी भाई को जो पहले बंद करवा दिया वो बाबी भाई जो हमारे गए कर में बहुत सारी खुदाई थी तो उसके ऊपर उस दिन से भोली बाबा के सामने वो गाने को आने को बंद हो गए उसको वो लड़की को बिठाया था पानी भाई तो आपके घराने के जो विलंबित है उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया। आप तैयारी में हमारे बहुत तैयारी बल्कि थी हमारी बिल्कुल आपको कौन दिया पाँच सौ खाली से खास आपको यही कहते थे कि 500 चलते हैं ये चलते हैं 30। माई, आपके घराने में तो सुना कि सरगम आपके घराने का बहुत मशहूर है उसके बारे में कुछ बताइए। जी मेरा पाया सरगम है हम लोगों का सरगम के ऊपर ही जो कुछ हम मजला बांधेंगे
और मैं जो मंजिल जिसको कहते हैं तो वो सरगम के हमारे घर की पहले ये है कि जो सरगम मायना गाना Bye-bye.
सरगम आपके घराने का बहुत मशहूर है, मैं उसके बारे में कुछ बताइए। ये मेरा पाया सरगम है हम लोगों का। सरगम के ऊपर ही जो कुछ हम मजला बांध लेंगे और मैं जो मंदिर जिसको कहते हैं वो सरगम का, जो हमारे घर की पहली रोड के जो सरगम मायना गाना स्वर और सरगम, ये दोनों हमारे इनके तो बड़े बड़े कदम लड़के थे, शिवराम सिंह खासा और हमारे लिखा था और नली खाती एक लड़की और एक लड़का, तो ये लड़की और मुबारक कर था वो उसमें एक आप भोपाल में साहब लेके गई ताकू इस तरह होना। लेकिन आपको कहूँ आज ये लड़का जो होता तो सरगम का बादशाह कहलाता, जिसको सरगम सरगम क्या चीज है, जमीन आपको कौन देता, लोगों किसान ने गुलाम अली खान साहब किसान ने फिर थी इतनी सरगम उसकी।
आज मेरा जब जिंदा है तभी खान साहब मुबारक उनका नाम मुबारक था और गए भी नदी खान साहब के दरवाजा देखे अकेले रहते अच्छा। लेकिन क्या आपको करूँ सरगम इस सरगम मैंने की तो ये मालूम होता था कि क्या दरिया बहाव कर रहा है सरगम। अच्छा माई सुना कि आपके घराने में चंद एक रागी बहुत मशहूर है क्योंकि ऐसे तो सभी राग गाया जाता है पर कुछ रागों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है पर ये वो कौन कौन से रागे हैं? बहुत रामी है गुनका जी Yeah.
जानवर हरण जैसे सुख लुब्ध होके बड़े लोग मारते थे ना,
जय समझो कोई सूर्य की जैसे पशु पक्षी सब उसके ऊपर मुंह में आए। जिस दिन चुना को हमने पहले आपको चुना को सुनाने को बोले गए तो आपको मैं 13-14 वर्ष की थी लेकिन लड़कों के मुंह खोल के वहां बैठी। ये समझता कि क्या करती है कान में सूर सूर सुना सब समझदारी बैठे थे बंदर भी खाता आपसे। एक वक्त हुआ पीछे जयकर बैरिस्टर करके बम्बई में थे बता उनके यहाँ बुलवाया हमको उनकी जन्मई थी क्या वो मेरे ध्यान में नहीं है वो 13-14 वर्ष की थी। तो उस दिन चुना वाई गाय मेरे गुरु रोने लगे। मैंने कहा भैया जी क्या हो रहा बेटा क्या कहूँ ऐसा था ऐसा बेटा क्या कहूँ गाना इसकू कहते हैं बिचार ने एक मिस्टर के लिए कहता हूँ लोग कहते हैं कि तानसेन जी गाते थे जब गाय दीपक तो बत्ती लगती थी मैं गाय तो वर्षा जोड़ता था बर्षा जोड़ता था ऐसे कहते थे। तो वो उन्होंने जो बनाया भैया जी कहने के लिए होगी अच्छा ही काम है ना तो इसी कहते रहते लेकिन सच्चा सच्चा जो पूछो तो पानी कौन सा पत्थर से गिर जाएगा लेकिन आदमी आदमी एक चीज ऐसा पत्थर से जाते आदमी का अंतर अंतर्गत पिघल गया आंखों से पानी आया तो पत्थर पिघल गया। और दूसरा कहते थे दीपक मायना क्या दीपक गाया तो ये बत्ती लगती थी। भैया जी ने कही वार्ता कहते हो भैया भैया दीपक मायना ये एक वक्त अभी समझो हम अंधारे में बैठे एक इलेक्ट्रिक बड़ी 1000 पावर की 100 पावर की एक बत्ती करंट लग जाए तो उसको ऐसी वो बत्ती वो जो गाये तो इस तरह से लोगों के बदन में सब बत्ती की इतने होती थी और देखते थे इस बात करते वो दीपक वो बत्ती लगाते थे और बरसात नेक गाया तो ये आंखों से ये पिघलना बहुत मुश्किल है पत्थर तो पिघल जाएगा लेकिन जी आदमी का पिघलना बहुत। अच्छा माई और कौन कौन थे एक आपने पहले बताया था चंद्रावली बाई एक थी जिसके बारे में हाँ आप कहूँ चंद्रावली बाई को ऐसा सुना हमने अभी तक गवैया अतिशयुक्ति होगी हमारी अभी तक गवैया नहीं सुना चंद्रावली बाई को यहाँ आइए बात ठंडे साहब ने उनको लाए। अच्छा और कौन कौन थे हाँ एक चुनाबाई सुन हाँ एक चंद्रावली बाई सुन हाँ और तीसरी हमारी बाबली बाई 5 जने हमने सुनी बाबली बाई बम्बई की नतंगा की शादी थी और नतंगा की नहीं थी पीछे हो गई नतंगा की मेरे गुरु की शादी 4 बरस मेरे गुरु ने सिखाई और जैसे अभी केशव राय का कैसा हुआ 12 बरस बस को लाने सिखाया उसने सिखाया नाम के वास्ते अल्लाह जी खाए ऐसा और आप तो कहते हो ना पहले चुना भाई चंद्रावली भाई बाबली भाई और अभी के जमाने में जोहरा भाई। अच्छा जोहरा भाई हैदराबाद की रेशम 5 औरत हमने सुनी रेशम राम को भी ऐसा सुना हमने कि तांगा सर के हरानी के लड़के हमने सुने थे सरदार लोग से वो लेकिन जिस दिन रचन इसको रेशम राम को जिस दिन सुना उस दिन ऐसा मालूम होगा हैदराबाद में गाना है। भैया जी भी थे हम कोई नहीं गए थे बेगम थी कोई उनके पार्षद के प्रधान थे ना एक कृष्णा कृष्ण और उस्तादों में उस्तादों में हमने सुना आपको जिसको कहती पुराने मानना कुछ भी कह रहा था बहुत जमाना देखा हमने एक ही गाना सुनेगा रहमत का कोई जो सुना कितने मेरे घर में थे वो 5 महीने मेरे घर में थे अपने बड़े घर में तो वो गाते थे तो उनके पास जाके देखना चाहिए पड़ता था कि कौन गा रहा कौन किसका मुंह ये इस तरह से बैठना जैसे समाधि को बैठते ना वहाँ ना हाथ ना कुछ पागल लोग कहते थे बड़े लेकिन वो संगीत में लोग कहते थे कुछ भी कहने दो बकवास है लेकिन वो संगीत में ही पागल हुए आदमी लोगों का वैसे तो सुरेले अभी के बच्चे में अब्दुल अतिशयुक्ति होगी अपना गुरु तो गुरु ही है लोग ऐसा कहेंगे अपने गुरु लेकिन मैंने नजीक खा जैसा भी सुरेला आदमी नहीं सुना जो नी और का उन्हें लगाई क्या कहूँ आपको कि ये बड़ा आवाज था बिल्कुल बड़ा आवाज ऐसे जब बोले तो आज मैं कैसे बोलती हूँ ऐसा आवाज लेकिन जब नी और सा लगाए तो मान अंदर तीर लगा के सूर्य दिल में घुस रहा है। अच्छा माई इतने लोगों को तो आपने सुना पर इनमें कौन थे जिनका प्रभाव आपके संगीत पर पड़ा
वो नजीर खान साहब को छोड़ के, उनकी तो आप शिष्या हैं और उनका असर तो जरूर आपके ऊपर है, पर उनको छोड़ के और अच्छे अच्छे लोगों का किसका प्रभाव आप कल आपके ऊपर पड़ा? मेरे ऊपर तो जिन्ना भाई का तो 14 वर्ष की अभी एक की हमने जो सुना, हमारे घर आने की तो बात रिश्ते नहीं आएगी जी हाँ, एक सुना सरदार बख्शा एक था हैदराबाद के सरदार खान, अच्छा ये उनका सुना। और दूसरा अल्लाह देखा, मैं आपको कहूँ कि बुरा नहीं अल्लाह देखा कि सूरती मिलती, लेकिन बड़त जिसको कहते फिरत कि सत्य वाला होने पर, लेकिन ऐसी थी कि आपको कहूँ कि नोटेशन करने को उसकी। अच्छा माई, आपके जमाने में संगीत और संगीतज्ञ की कदरदानी कैसी थी, खास करके आजकल के मुकाबले में? अभी जब कहूँ तो आजकल के लोग गुस्सा होंगे मेरे ऊपर। नहीं, पर उस जमाने की झलक कुछ दिखाइए कि उस जमाने में कदरदानी कैसी होती थी। कदरदानी तो ऐसी होती थी, एक तो पहले न्याय था, सत्यता थी, जलते थे गवाही गए जलते थे, लेकिन आप कौन घर गए तो यही उनके क्या किस तरह से जो बड़े समझो कि तैयारी समझो, न्याय जिसको कहते वो था। दूसरा कदरदानी भी बहुत थी, लोग खुले थे, पर राजाओं में जनताओं में गरीबों में होंगे लोग, लेकिन ऐसे पागल देखा जो कुछ कोई गवाही के पास जैसे पागल बन के उनके पीछे पर फिरते नहीं सोते तो सजा उनके भी देते थे, लेकिन कदरदानी उस वक्त बहुत थी। आज अपने कार्यकाल में पंडित भातखंडे जी से भी आपकी जरूर भेंट हुई होगी, आपकी और उनकी मुलाकात के बारे में कुछ बताइए। उनके हमारे रोज भी भेंट होती थी क्योंकि हमारे जीव के पास ही वो सीखते थे। अच्छा, और जो अभी समझो यदि छुबे निकालना गंदाज निकालना तो मेरे गले से निकालना चाहिए, तो उनके गले से निकाले मैं सीखूंगी, मेरे गले से निकाले वो हम बिता के सिखाते। और वो सरगम सुना के आप उनके साथ सरगम कहती थी? कहाँ नहीं सरगम नहीं, कहाँ भी कोई गवैया आए ना तो ये भी क्रिया ही कहते थे, सबके निशान अमदादा कहते थे तो नदी था कहते थे हसा चिड़िया को लेके आना क्यों वक्त दादा क्यों वहाँ नोटेशन करना है। तो उस जमाने में जो कहाँ ये इसमें अभी जो पाकिस्तान का जो पंजाब से एक गवैया है गुल्लू खान उनका नाम, तो भारी इतने थे एक एक दरवाजे से जो ये चले थे ये सीख दरवाजे को लगता था, उसको देखते में पहले घबरा गई, पहले गौर सकते थे वहाँ से हंसने की बात नहीं इतने घबरा गई थी मेरे को भैया जीते जगह से अरे हंसते इतने भैया आदमी नहीं थे ये जब पटका और उसके ऊपर ये ऐसी टोपी डाली वो टोपी का चेहरा ऊपर लगता था तो वो भारी तैयार थे। तो भक्तन मेरे साहब ने कहा था कि मेरे को मैं गए मैं कहने गए सीजा नोटेशन करना है फिर जैसा होगा तो भैया जी जो कहेंगे तो करूँगी। तो जहाँ जहाँ नोटेशन करने का होता था जब मेरे को ले जाए और भातखंडे साहब ने और भी कहना कि अतिशयोक्त आज मैं ही कहने वाली हूँ और तो कहने वाले होंगे कि नहीं मेरे को मालूम नहीं, जितनी चीजें लिखी हैं लक्षण गीत में वो भातखंडे के पास है मेरे पास मैं दिखाऊंगा आपको, तो जितने लक्षण मेरे गुरु के पास बांध के लिए दिखा खा सकते। संगीत की तपस्या में आपने अपने जीवन दान दिया है, इस दौरान का कुछ खास निजी अनुभव जो आप आज तक भुला ना सके उनको जरा बयान करें आप, जैसे सुर के लगाव में जो सच्चा सुर लगने का या कुछ भी आपके जीवन का अनुभव वैसा वो अनुभव ऐसा हो गया है मेरे को इसका दो तीन रोज तो सच लोगों ने देखा है मेरा अनुभव। अभी तो मैं कह दू एक रोज क्या होगा जैसे नहीं मैंने कहा ना भैया खंबादारी करके थी यहाँ नदी बाए बड़े बड़े जैसे होते लाख लाख पचास हजार रुपये और चार चार रोज जैसे चलते क्या खाना और पीना क्या दावत से जाना गए तो ये भी होता है ना जरूर खुदा की देन होती है तो चीजें से मिलने को मिल जाता है और ये समझा जो मैंने किया तो मिल जाता है वो हालत बेहतरीन हो गया। तो मेरे को सुबह पहले तो नौ बजे बिताया था पुराने को तो मैंने सोचते शाम कर जाएंगे उनको मेरे गुरु साथ पे तो कुछ डरते नहीं थे सुबह 7 बजे फिर से हमारा मौका है और ये गवैया ने नाम का रखा था मालूम है बाबू भाई कुत्तो मेरी टाइटल और मेरी टाइटल नष्ट और पीछे उस दिन से जो तानी भाई का होगा उस दिन से बात
बात। और पीछे उस दिन से तानूबाई का होगा, उस दिन से तानूबाई कभी हमारे दर्शन आए हैं, मेरे सामने नहीं आए, बड़ी दोनों बता वालों के सामने नहीं आए। आपको कहूँ ऐसी गाड़ी है, क्या गाड़ी मालूम है? ग्राहक। ये तो दो हजार चार साल खाली ग्राहक गाड़ी जो ये मालूम होता था दीवारों से उसमें निकलता है, तो मैंने अपना हुआ देखा हुआ, लेकिन गाती नहीं थे उसमें, अपना खाली नाम की गाती है। अच्छा, आप अपने अनुभव को बताइए। अपने अनुभव भी बताते तो जैसे हुआ कि तो सुबह के गाने को तो इन्होंने कहा हमको प्रिया जी ने जगह तो क्या गाएगी, मैंने कहा आप लोग परसों गाँव हमारे खाद्य संघ का अभी घूम कर ही अब गाएंगे जाएंगे खुशी हो। तो आपको कौन समझिए अजीम बख्श के थे, तो मेरे पास आज गपुर का आया है उनके दादा एक बाजूलाल का, दोनों आपको कहूँ गवैये के भाई कहो ना सरंग में ऐसे थे गवैये को दबा सके, तो वो थे दोनों। तो उधर चले गए गाने तक, खाली से खासा कहने लगे लक्ष्य को इस चीज का क्या गवाना, कैसे आप साधना कर रहे हो, बड़े मानते थे ऐसे गुरु, तुम ही सेवा जरूर कभी गाएंगे। मैंने कहा अच्छा, बैठी भाई गाने को, गाने को बैठी बैठी बहुत सी बरत बिरत की और बिचला पा जो लगाया इतना लगा आपको कहूँ खाजू संघ खासा भी खाजू संघ खासा गया और मैं मेरा सा कमरा छूट गया, एक सेकंड की समाज आपको छूट ही गया कमरा, ऐसा तीन वक्त हुआ है मेरे एक वक्त ने तीन वक्त एक लखनऊ के सच्चे एक ही पहले तो सच्चे सुर में कमरे को तार लगाओ कभी रही नहीं टूटे सरंगी जब सुर में मिली तो एक वक्त तो कितना चाहिए मेरा अनुभव कैसे और आप करके देखो। अच्छा माई, एक सवाल आपसे क्या पूछ सकती हूँ, आज का संगीत आपकी नजर में किस दौर में गुजर रहा है? क्या आप समझती हैं कि ये संगीत को कायम रखने के लिए जो भी कुछ हो रहा है वो काफी है? क्या आने वाले जमाने में भी आप जैसे कलाकार कोई बन सकेंगे? आपकी राय में संगीत को कायम रखने के लिए क्या करना चाहिए ये बताएं। पहले तो ये बताती हूँ, आप भी अब बच्चे हो लेकिन समझ नहीं सकते हो, रूपर धमाक था तो उसके ऊपर आके ख्याल के ऊपर पड़े जरूर ख्याल ख्याल ये थे ख्याल के मिटने लगे तो आके ठुमरी के ऊपर पड़े, ठुमरी अभी मिटती जाती है समझो ठुमरी भी कहाँ है, ठुमरी मिटती जाए सिनेमा के ऊपर, अभी अगर का किसके ऊपर पड़ेंगे आपको ये आपको सवाल करना है मेरे यार, गवर्नमेंट को सरकार को, एक ही सरकार जो इसको जिंदा रखना चाहे तो जिंदा रह नहीं सकता, नहीं तो बिल्कुल जिंदा रह नहीं सकता, और जो तरह से सरकार चल रहा है उस तरह से संगीत को जो बचाना चाहे तो बिल्कुल बच नहीं सकता। आप चाहिए तो इसका तरीका भी तो कुछ बताइए माई, क्योंकि इसको तो रखना जरूरी थी, तो यही कोशिश करनी चाहिए आइंदा भी आप जैसे कलाकार कोई पैदा हो सके। वो जिस तरह से बड़े बड़े कहाँ बेचारे खाचले के ऊपर पड़े रहे होंगे अभी नहीं खाते होंगे, उनकी 90 बरस की 100 बरस की 75 इनके पास जा जा के बत्ती लेके तो आप लोगों को ढूंढना चाहिए बत्ती लेके कि कहाँ हीरा पड़े हैं, और खाली वो बत्ती लेके आपके पास आई हूँ ना वो तो मेरी क्या बात है, लेकिन पड़े है मैं ये कहती हूँ जो पड़े हैं तो उनके पास जाना, इनको कहना कि बस खाचले के ऊपर कहो कि किस रास्ते से गवैया बन नहीं सकता, और कुछ तरंगिया समझो तरंगे भी कहते हूँ तरंगे अगर तबलिए वही जो करिए इसका ठेका आया एकता देखा उसने दिक्कत तो ये कर चार दिक्कत लगी तो बड़ा तबलिया होगा, ऐसा सरंगिया एक तान मारे उसके तीन नक्के मारे तो सरंगिया होगा, तो ऐसा नहीं बनता गवैया तीन अजय ये तीन वक्त तक गया तो गवैया बना नहीं, गवैये के तरीके और बनने ये मैं आपको कहते जो गवैया बनना है तो गवैया की तपश्चर्या करना चाहिए, सरंगिया बनना है तो सरंगी की तपश्चर्या करिए, हमने देखा है सरंगी की तपश्चर्या इनके दादा को कपूर का के रात को 2 बजे बैठना हमारे साथ खट गए, मैं 2 महीने के वास्ते खट गई, तो आपको कहूँ रात को 2 बजे बैठे सरंगी लेके और सुबह 8 बजे तक अजीम बख्श कहाँ चाह पी लो सरंगे माई आप बहुत थक जाएंगी, अब आप और आपको तकलीफ नहीं दूंगी। Rama Rani Rama Rama Dhan
Ramadan is a 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 Ramadan is a
Shiva, Shiva.
Ah.
के लगाव में जो सच्चा सुर लगने का ये कुछ भी आपके जीवन का अनुभव वैसा हो अनुभव ऐसा हो गया है मेरे केस का दो तीन वक्त तो सच लोगों ने देखा मेरा अनुभव अभी तो मैं कहती हूँ एक रोज क्या होगा जैसे में इन्होंने कहा ना हम यहाँ खंबादारी करके थे यहाँ नजीब आए बड़े बड़े जैसे होते लाख लाख पचास पचास हजार रुपए हो चार चार रोज जैसे चलते जहाँ खाना और पीना या दावत देना गए तो ये भी होता है ना जरूर खुदा की जब देन होती है तो चीजें से बिल्ली को मरवाता है और ये समझा जो मैंने किया तो मिल जाता है वो हालत दुश्मन हो गए तो मेरे को सुबह पहले तो 9 बजे बिताया था हमको गाने को तो मैं उस वक्त शाम कल्याण गाई वगैरह तो मेरे गुरु साथ थे तो किसको डरती नहीं थी सुबह 7 बजे फिर से हमारा मौका आया और ये गवैया ने नाम क्या रखा था मालूम है बाबली भाई कुत्तो मेरी टाइटल और मेरी टाइटल नष्टर जो पीछे उस दिन से जो तानी भाई का होगा उस दिन से बाबू भाई कभी हमारे दर्शन आई नहीं मेरे सामने नहीं आई बिन्नी बाजार वालों के सामने नहीं आया था आपको कहूँ ऐसी गाय है क्या गाय मालूम है ब्याहक ये तो दो लोग चार चार खाली ब्याहक गाय जो तो ये मालूम होता था दीवारों से सुर निकलता है वो तो मैंने सुना हुआ देखा हुआ लेकिन गाती नहीं क्या उस वक्त अपना खाली नाम की गाती अच्छा आप अपने अनुभव को बताइए तो अपने अनुभव भी बताते हैं तो जैसे हुआ तो सुबह भाई के गाने को तो इन्होंने कहा हमको भैया जी ने जगह तो क्या गाएगी मैंने कहा आप जो कौन सो गाऊ तो हमारे खाद्य संख्या समाप्त करेंगे अभी गुन करी अब गाएंगे करेंगे जी खुशी हो रहा है तो आपको कौन सरंगे अजिम बख्श करके थे वो मेरे साथ आज जब गफ्फूर खान आए उनके दादा हो एक बाजू लाल खा दोनों आपको कहूँ गवैये के भाई कहो ना संग में ऐसे थे गवैये को दबा सके तो वो थे दोनों तो जल समय में गाने तो खाजू से खासा कहने लगे अजम बख्श को किस चीज को क्या गवाना जैसे आप क्या आज्ञा कहने को बड़े मानते थे जैसे गुरु तुम्हें सेवा गुण करी गाएंगे मैंने कहा अच्छा वैसे भाई गाने को गाने को बैठी बैठी बहुत सी बड़त बिरत थी और पा
बिचला पाज लगाया, इतना लगा आपको खादिम संघ खासा भी, खादिम संघ खासा गया और मैं मेरा सा कमरा छूट गया, एक सेकंड की समाज आपको छूट ही गया कमरा, ऐसा तीन वक्त हुआ है मेरे को, एक वक्त ने तीन वक्त, एक लखनऊ जब सच्चा स्वर लगा तो एक ही स्वर, पहले तो सच्चे सुर में कमरे को तार लगाओ कभी रहेगी नहीं टूटेगी, सरंगी जब सुर में मिली तो एक वक्त तो सोचना चाहिए मेरा अनुभव कैसे और आप करके देखो। अच्छा माई एक सवाल आपसे मैं क्या पूछ सकती, आज का संगीत आपकी नजर में किस दौर में गुजर रहा है, क्या आप समझती हैं कि ये संगीत को कायम रखने के लिए जो भी कुछ हो रहा है वो काफी है, क्या आने वाले जमाने में भी आप जैसे कलाकार कोई बन सकेंगे, आपकी राय में संगीत को कायम रखने के लिए क्या करना चाहिए ये बताएं। पहले तो ये बताती हूँ, आप भी अब बच्चे हो लेकिन समझ नहीं सकते हो, रूपर धमाक था तो उसके ऊपर आके ख्याल के ऊपर पड़े जी, ख्याल ख्याल ये थे, ख्याल के मिटने लगे तो आके ठुमरी के ऊपर पड़े, ठुमरी अभी मिटती जाती है समझे, ठुमरी भी कहाँ है, ठुमरी मिटती जाए सिनेमा के ऊपर, अबे अगर कास्ट किसके ऊपर पड़ेंगे आपको, ये आपको सवाल करना है मेरा, गवर्नमेंट को सरकार को, एक ही सरकार जो इसको जिंदा रखना चाहे तो जिंदा रह नहीं सकता, नहीं तो बिल्कुल जिंदा रह नहीं सकता, और जो तरह से सरकार चल रहे हैं उस तरह से संगीत को जो बचाना चाहे तो बिल्कुल बच नहीं सकता, आप चाहिए तो इसका तरीका भी तो कुछ बताइए माई, इसको तो रखना जरूरी तो यही है, कोशिश करनी चाहिए ये आइंदा भी आप जैसे कलाकार कोई पैदा हो सके, वो जिस तरह से बड़े बड़े कहाँ बेचारे खाटले के ऊपर पड़े रहे होंगे, अभी नहीं खाते होंगे, उनकी 90 बरस की 100 बरस की 50 इनके पास जा जा के बत्ती लेके तो आप लोगों को ढूंढना चाहिए, बत्ती लेके कि कहाँ हीरा पड़े हैं, और खाली वो बत्ती लेके आपके पास आई हूँ ना वो तो मेरी क्या बात है, लेकिन पड़े है मैं ये कहती हूँ, जो पड़े हैं तो उनके पास जाना, इनको कहना कि बस खाटले के ऊपर कहो कि किस रास्ते से गवैया बन सकता है, और कुछ सरंगिया समझो, सरंगी भी मैं कहती हूँ सरंगी अगर तबलिए वही जो अब कुछ 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 करिए इसका ठेका आया एक काले का उसने धिकट तो एक चार धिकट लगी तो बड़ा तबलिया होगा, ऐसा सरंगिया एक तान मारे उसके तीन नक्के मारे तो सरंगिया होगा, तो ऐसा नहीं बनता, गवैया तीन अरे राजे राजे ये तीन वक्त गया तो गवैया बना नहीं, गवैया के तरीके और बने, ये मैं आपको कहती हूँ, जो गवैया बनना है तो गवैये की तपश्चर्या करना चाहिए, सरंगिया बनना है तो सरंगे की तपश्चर्या करिए, हमने देखा है सरंगे की तपश्चर्या इनके दादा को कपूर का के, अब तो 2 बजे बैठना, हमारे साथ खच गए, मैं 2 महीने के वास्ते खच गई, तो आपको कहूँ रात को 2 बजे बैठे सरंगी लेके और सुबह 8 बजे तक अजीम बख्श कहाँ चाहती हूँ, अब आप बहुत थक जाएंगी, अब आप और आपको तकलीफ नहीं दूंगी, जरा सी ये तकलीफ है कि हल्के हल्के आवाज से एक जरा सा भैरवी सुना दीजिए जो आपके, मैं सुना हूँ लेकिन मेरा भी अभी आवाज में नहीं, तो ये कहा ना कि मैं भी कब लगा बिल्कुल जरा सा नमूना, खाली नमूना बताते Yeah.
माई आज आपको बहुत ही तकलीफ दी मैंने, आप क्षमा कीजिएगा, आईने को कभी इतनी तकलीफ नहीं दूंगी। पर मैं नहीं जानती हूँ आपको किस तरह मैं आपको धन्यवाद कहूँ। आप वाकई इस गलती को माफ कीजिए और हमारे आत्मिक वाकई ये धन्यवाद दीजिए। मैं भी आशीर्वाद दे रही हूँ, ये संगीत आपसे बड़े, मैं भी आशीर्वाद दे रहा हूँ, एक नहीं दो नहीं चार वक्त के आप संगीत बढ़ा और संगीत की कदर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।